खबर है नई दिल्ली से। कई उद्योग ऐसे हैं जिनमें बड़ी मात्रा में दूषित जल निकलता है और उसके फिर से उपयोग की संभावनाएं तलाशने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय शोधकर्ताओं के एक दल ने कपड़ा उद्योग से डाई यानी रंगाई की प्रक्रिया में निकलने वाले दूषित जल के शोधन के लिए एक कारगर समाधान तलाशा है। इससे रंगाई के बाद शेष बचे दूषित जल से विशेष तत्वों को निकालकर उसे घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग के लायक बनाया जा सकेगा। इससे प्रदूषित जल की समस्या से निजात मिलने के साथ ही पानी की किल्लत दूर करने से जिसे दोहरे लाभ हासिल हो सकेंगे। वर्तमान में कपड़ा क्षेत्र से प्रदूषित जल को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक तीन स्तरों पर शोधित किया जाता है, फिर भी दूषित जल पूरी तरह शोधित नहीं हो पाता। इसमें प्रयुक्त स्टैंड अलोन एडवाइज्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस ट्रीटमेंट टेक्निकल शोधन से व्यापारी मानकों के अनुरूप सक्षम नहीं साबित हुई है। रसायनों की निरंतर आपूर्ति जैसे पहलू को लेकर जल शोधन की यह प्रक्रिया खर्चीली हो जाती है।